तो हिंदू राज्य घोषित हो बिहार, हिंदू के सारे मुद्दे को प्रमुखता से रखा जाए। बिहार में जातीय जनगणना सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही लगातार इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार इस रिपोर्ट को सही बता रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस सर्वे रिपोर्ट के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रही है। इसी विवाद के बीच अब बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बिहार को हिंदू राज्य घोषित करने की मांग कर दी है। जातीय जनगणना का रिपोर्ट हुआ है तो इसमें तो हो गया कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो 82% हिंदू है बिहार में, तो हिंदू राज्य घोषित हो बिहार, हिंदू के सारे मुद्दे को प्रमुखता से रखा जाए और हिंदुओं का बोलबाला हो। दरअसल जातीय जनगणना सर्वे के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें हिंदुओं की आबादी 82% दिखाई गई है। जेडीयू ने बीजेपी विधायक के इस मांग पर अब निशाना साधा है। जाति गणना होने से भारतीय जनता पार्टी का कुनवा परेशान है, तो धर्म के आधार पर तो गणना कराने का आपको अधिकार है केंद्र सरकार को। जाति तो आपको अपच होता है तो सनातन विरोधी हो कि 2021 में ही जनगणना होना चाहिए था लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जनगणना नहीं कराई, तो हमने जाति सर्वे करके दिखा दिया लेकिन ये फर्जी सनातनी है, फर्जी हिंदू हैं, न सिखा रखते हैं और साथ ही साथ ये पितृपक्ष में भी राजनीतिक पितरों का सम्मान नहीं करते हैं और ये प्रवचन दे रहे हैं कि महिला कॉलेज से स्नातक की डिग्री पास है तो ऐसे लोगों को ज्ञान रखना चाहिए। हरिभूषण ठाकुर ने दूसरी तरफ जातीय जनगणना के आंकड़ों में मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी को लेकर भी चिंता जताई। जिस तरह से मुस्लिम का जनसंख्या बढ़ा है यह भी चिंतनीय है। कहा गया परिवार नियोजन, कहा गया सरकार का स्वास्थ्य कार्ड, ये सब इसलिए विचारणीय विषय है। अगर सभी आदमी नहीं संभले तो आने वाले 40 से 50 वर्षों में कहां चला जाएगा, जात नाम का चीजों नहीं बचेगा बिहार में। हरिभूषण ठाकुर की इस मांग पर राजनीति तेज हो गई है। अब देखना है कि बिहार में जेपी नड्डा के दौरे के बाद बीजेपी की राजनीति किस तरफ जाती है। पटना से शुभम लाल और रोहित सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।